हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है अविनाश फिटनेस क्लब में। मैं बहुत टाइम बाद अपनी वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ा यार बिजी था काम में और जॉब के चक्कर में। तो यार आज का मेरा टॉपिक है, क्या इंडियन सप्लीमेंट्स और इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। यार लोग सोचते हैं क्या इंडियन ब्रांड है ये बेकार होगा, और इसमें पता नहीं क्या मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ। और यार जो इंडियन ब्रांड्स होते हैं ना, वो इंडिया के लोगों को देखकर ही बने होते हैं, और जो बाहर के ब्रांड्स हैं, यूएस के ब्रांड्स होते हैं, वो उन्हीं टाइप के लोगों के लिए होते हैं। क्योंकि आपको भी पता है बाहर का वेदर कितना ठंडा होता है, और जो इंडिया का वेदर है ऑलमोस्ट 6 to 7 months यार यहाँ पे गर्मी ही होती है। तो उस हिसाब से यार कॉस्ट इफेक्टिव प्रोटीन, तो मैं तो आपको ये कहूँगा यार कि इंडियन ब्रांड्स अच्छे हैं। मैं कोई ब्रांड्स को प्रमोट नहीं कर रहा इस वीडियो में, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यार कि ये मत सोचा करो कि इंटरनेशनल ब्रांड ही लेना चाहिए और यही सबसे अच्छा रहता है, ये इफेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही सही होते हैं। इस कन्फ्यूज़न में मत रहो कि यार इंडियन ब्रांड बहुत बेकार है, ठीक है। तो मैं आपको आज ये एक बात बताना चाहता हूँ। और बाकी यार जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं ना, वो इंडिया के अंदर आते आते ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें टैक्सेस वगैरह लग के ना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और इंडिया के लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन यार कोई बार बार नहीं ले सकता इतना, मतलब 4-4, 5-5 हज़ार से स्टार्ट होता है। और इंडिया ब्रांड्स में ये वो इंडिया में ही बनते हैं, तो वो सस्ते होते हैं। लोग सोचते हैं यार कितना सस्ता प्रोटीन है, पता नहीं क्या मिला रखा होगा। और इंटरनेशनल ब्रांड ये 5 से 6 हज़ार होते हैं, सोचते हैं यार 5 से 6 हज़ार है तो कुछ ना कुछ तो होगा इसके बॉक्स में। तो यार आपसे मेरा यही बस मैं बताना चाहता था कि इंडियन प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो, उसका बिल ले सकते हो, जीएसटी वाला एक्सपायरी होनी चाहिए, और उसकी जो प्राइस है वो बॉक्स पे लिखी होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।